हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल वी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। क्रेडिट कार्ड आपके लिए लेना सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, और आपको क्रेडिट कार्ड का कैसे यूज़ करना है। और साथ ही साथ मेरे पास अमेजॉन का, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, SBI का भी क्रेडिट कार्ड है। फ्रेंड्स, आजकल के समय में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकों ने क्रेडिट कार्ड पर भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं, काफ़ी स्कीम चलती हैं। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी आपको 10% 5% का बेनिफिट आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं। ऐसा ही फ्रेंड्स एक क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है अमेजॉन ICICI का क्रेडिट कार्ड। यह क्रेडिट कार्ड मेरा बना हुआ है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको अमेजॉन की साइट पर जाना है और वहां पर सर्च में टाइप करना है अमेजॉन ICICI क्रेडिट कार्ड। वहां पर आ जाएगा और वहां पर आपको अप्लाई करके देखना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप गूगल पर जाएंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे amazon.co.in, और यहां पर आपको टाइप करना है अमेजॉन ICICI क्रेडिट कार्ड ICICI। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आ गया ICICI अमेजॉन क्रेडिट कार्ड अप्लाई। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर यह ऑप्शन मिल गया आपको, तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अमेजॉन पे। तो मेरा पहले से ही क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो दोबारा से यहाँ पर नहीं बन सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पर आप शो हो जाएगा, और आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आप अप्लाई करते हैं तो यदि आपका अप्रूव हो जाता है तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, आपका 3 से 4 दिन में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। और इसमें आपको सिंपली वीडियो कॉलिंग करके आपको KYC वगैरह का ऑप्शन आता है, और इसमें आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी और आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स बहुत इजी प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड बनवाने का। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है अमेजॉन के इस क्रेडिट कार्ड का, इसमें आपको ईयरली का कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता है, और साथ में आपको जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं अमेजॉन वॉलेट में आपके ऐड हो जाते हैं। जैसे कि आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिला तो उसका 1 रुपये आपका अमेजॉन वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट की काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अमेजॉन की जो किट मिलती है उसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और कैसे आपको पिन एक्टिवेट करना होता है। और साथ ही साथ मेरे पास SBI सिंपली का भी क्रेडिट कार्ड है और RBL बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, तो इनमें भी ईयरली चार्जेस जाते हैं। जैसा कि SBI का सिंपली क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपका ईयरली 500 और प्लस 18% का GST जाता है। और RBL का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें मेरा जो चार्जेस है 1300 ईयरली का चार्जेस जाता है। तो इन क्रेडिट कार्ड की तुलना में अमेजॉन का जो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है वह ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप ली है अमेजॉन की, वह 5% के साथ इस क्रेडिट कार्ड को अमेजॉन पर यूज़ कर सकते हैं, और नॉन प्राइम मेंबर्स 3% का बेनिफिट के साथ इस क्रेडिट कार्ड को अमेजॉन पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह तीनों क्रेडिट कार्ड हैं, यह मेरे पास RBL का है, और यहाँ पर यह SBI का है, और यहाँ पर यह अमेजॉन का ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। अप्लाई करने के बाद आपको बैंक की तरफ से एक किट प्राप्त होगी और उसमें आपका पिन जनरेशन का सारा प्रोसेस लिखा होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस किट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास है अमेजॉन ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग यह क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो यह क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आप अमेजॉन पर ही सर्च बार में आप टाइप करेंगे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने एक बार अप्लाई कर दिया और वह रिजेक्ट हो जाता है तो आप 6 मंथ के बाद फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड के बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी ईयरली फीस 0 है, और अप्लाई करने के बाद ही आपकी क्रेडिट लिमिट तय होती है कि आपको शॉपिंग करने के लिए कितना अमाउंट दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए बिल्कुल सील्ड है, अभी मुझे जस्ट रिसीव हुआ है स्पीड पोस्ट से। तो यहाँ पर हम इसको अभी ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है, अब हम इसको यहाँ से निकालते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर यह है फ्रेंड्स
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक का कुछ डिटेल्स है और यहाँ पर आपका एड्रेस है। अब हम इसको यहाँ पर जो इसको कैसे एक्टिवेट करना है ये सारा प्रोसेस दिया गया है। आप अमेजोन से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, हालांकि मैंने इसको अमेजोन से ही एक्टिवेट किया है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह है और यहाँ पर ये क्रेडिट लिमिट है, लगभग 1.5 लाख की यहाँ पर मुझे क्रेडिट लिमिट मिली है। और यहाँ पर अमेजोन से शॉपिंग करेंगे तो आपको 5% का मिलेगा यदि आप प्राइम मेंबरशिप हैं, और यदि प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पर और भी कैशबैक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, यदि आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो आप भी इसको बनवा लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको कैसे बनवाना है प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। और फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।